बोलेंगे। ओके फर्स्टली पूजा जी गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड बात करो आपकी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई। इट्स अ लाइक कैची लाइन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, काफी इंटरेस्टिंग लाइन है। आप काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है आपको, आपके चेहरे से काफी वो मुस्कुराहट बहुत कुछ दर्शा रही है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए हमसे। एक्चुअली अभी तो पार्टी शुरू हुई है एक वर्टिकल है जिस जो दो भाग में डिवाइडेड है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज अ वेब सीरीज, लाइफस्टाइल वेब सीरीज, एंड वन इज अ सॉन्ग इन माय ओन वॉइस। सो ये मेरी जर्नी एज अ प्रोडक्शन हाउस शुरू हुई है इस वेब सीरीज से, उसीलिए मैंने नाम रखा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो और बहुत कुछ करना है। तो ये 8 एपिसोड का एक सीरीज मैंने बनाया है जो मैंने बहुत सारी एक्सोटिक लोकेशंस में शूट किया है। आई शॉट इट इन बैंकॉक, थाईलैंड, आई शॉट इट इन जयपुर, आई शॉट इट इन दिल्ली NCR, आई शॉट इट इन मुंबई, आई शॉट इट इन पुणे। तो एक विजुअल डिलाइट आपको मिलेगा इस शो में, क्योंकि सबको हमेशा खलबली मची रहती है ला डॉल्चे वीता अबाउट द गुड लाइफ, कि क्या चल रहा है इंडिया में, कौन से सबसे हैपनिंग डिजाइनर्स हैं, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहां हम खाना खा सकते हैं, एंड ऑफकोर्स अबाउट सेलिब्रिटीज एंड मेकओवर्स। तो ये शो यही है और मैंने बहुत ही मेहनत की है शो में। आई वॉज सो एंथुजियास्टिक अबाउट द शो दैट आई वेंट ओवरबोर्ड विद द बजट। ऑलमोस्ट 5 crores का ये प्रोजेक्ट बन के निकला। इट्स अवेलेबल ऑन फनफ्लिक्स विच इज स्पेल्ड एज PHUNFLIX। एक ऐप है ये जहां आप ये वेब सीरीज अभी तो पार्टी शुरू हुई है देख सकते हैं। उसके अलावा एक गाना मैंने अपनी वॉइस में गाया है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है DJ शेजवुड और लिरिक्स लिखे हैं कुंवर जुनेजा ने। एंड किस तरह का विजन है इस प्रोजेक्ट को लेके? काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, दो पार्ट में डिवाइड है। पहले तो वेब सीरीज से जानना चाहूंगा किस तरह का विजन है वेब सीरीज को लेके, एंड उसी में ही आपने गाना है तो लाइक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सो कुछ विजन के बारे में आप बता दीजिए। विजन था कि लोगों को एक ऐसा शो दिया जाए जिसे देख के वो स्माइल करें, पॉजिटिव हो जाए, और अपने बारे में अच्छा फील करें, दे फील गुड अबाउट themselves। उसी लिए मैंने शो लाइफस्टाइल को लेके बनाया। आजकल लोग फिक्शनल शोज बनाते ही जा रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ अलग करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए। एंड इसकी शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है क्या? इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन और द शूटिंग पार्ट इज लेफ्ट? इट्स जस्ट बीन रिलीज्ड ऑन फनफ्लिक्स ऐप। शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है पहले सीजन की। yes. और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्पेशली ओवरसीज से, अमेरिका से, UK से और यूरोप से, कि लोग बोल रहे हैं आप सीजन 2 बनाइए। इनफैक्ट कई लोगों को ये बात पता नहीं है, मेरे पास 10 years मल्टीपल एंट्री वीजा है अमेरिका का और मैं कभी अमेरिका गई नहीं हूँ। मेरे कजिन का फ्लैट है न्यूयॉर्क में, वो बुलाते रहते हैं पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। सो आई रियली होप दैट आई गेट टू विजिट ऑल माय फैंस इन अमेरिका, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी एक वीडियो क्लिप पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर वायरल हुई थी और अमेरिका में उसका इतना क्रेज था कि यूनिवर्सिटीज उस पर ड्रामा बना रही थी अपने थिएटर में और लोग मेरी तरह ड्रेसअप करके हैलोवीन पार्टीज में जा रहे थे। So, I've got massive fan following overseas. In fact, इस वायरल क्लिप को लेके कार्ल पेन जो एक हॉलीवुड एक्टर है उन्होंने भी अपने ट्विटर पे लिखा था और किम कार्दाशियन जो एक इंटरनेशनल आइकॉन है उनकी बहन क्लोई कार्दाशियन ने मेरे डायलॉग्स अपने इंस्टाग्राम पे लिखे थे गेट ऑफ माई बैक। और सेंट होक्स एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर क्लोई कार्दाशियन ने यहां तक बोला था कि वो मेरी फैन है। So I just hope that लोगों को अभी तो पार्टी शुरू हुई है भी इस क्लिप की तरह पसंद आए, क्योंकि सब मुझसे पूछते रहते हैं पूजा आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, तो ये मेरा नया प्रोजेक्ट है। पूजा जी आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोजेक्ट है, हमने लाइफस्टाइल पे वी हैव सीन सो मेनी हॉलीवुड जो अपने लाइफस्टाइल के, जैसे कि डिस्कवरी पे इतने सारे लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट है बट इट इज बेस्ड ऑन हॉलीवुड। Now this is a great platform. इस तरह के प्लेटफॉर्म इंडिया में लाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ओवरसीज के ट्रैवल, लीजर और लाइफस्टाइल को ज्यादा कवर करते हैं, कोई अपने देश के गुड
पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करता है, तो उसी लिए मैं तो भाई बहुत पेट्रियोटिक हूँ, उसी लिए मैंने इंडिया को फोकस में रखा है अपने शो में और इंडिया की गुड लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में बात की है अपनी वेब सीरीज में, बिकॉज यू नो आई एम ऑल अबाउट माई कंट्री। यस यस। एंड पूजा जी, लाइफस्टाइल की बात करें, ड्रेसअप की बात करें, आपने बहुत बार कहा है अबाउट फी जावेद लाइफस्टाइल द वे शी ड्रेसअप, तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपका कहना चाहोगे, क्योंकि इंडिया में काफी चर्चा होती है उनकी, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, हाउ डू यू सी द लाइफस्टाइल, द ड्रेसअप, द वे शी कम्स अप विद द मीडिया पीपल कवरिंग हर, how do you see her lifestyle? I love fashion, so I don't have a problem with Urfi Javed, but of late I've been observing that she's going over the top with the skin show. कुछ ज़्यादा ही skin show वो आजकल करने लगी, which I find putting off. क्योंकि एक class, elegance और एक sophistication हमेशा maintain करना चाहिए in the way you carry yourself. ये मेरा मानना है. And more often like when we see your Big Boss की journey, हमने काफी अच्छे से देखी है. अब Big Boss की journey जिस तरह से OTT में भी live 24 hours आता है, तो how what kind of change do you see in this thing? Like पहले के Big Boss, because आप starting part of the Big Boss, now it's more than 11 to 12 season, जिस तरह से changes आपने, क्या change आप देखते हो? I feel that Big Boss has now become more aggressive. It has become more difficult. अब तो खुल्लम खुल्ला मारा मारी गाली गलौज होने लगा है. हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नहीं होता था और अब तो टास्क्स भी काफी मुश्किल हो गई हैं. Yeah. बहुत फिजिकली एक्सर्टिंग हो गई हैं. सो आई थिंक दैट ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो भी ऑडियंस को चाहिए वही कलर्स एंडमॉल्स और सलमान खान उन्हें दे रहे हैं एंड इट्स बिकम मोर कट थ्रोट नाउ. Do you miss Endemol, working with Endemol? I love my colors, my Endemol and my Salman Khan family. मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ. मुझे अभी तक याद है वो पुणे तक मेरे को अवार्ड्स के इनवाइट्स भेजते थे. कभी मुझे लेफ्ट आउट उन्होंने फील नहीं कराया. पर जब से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है 4-5 साल पहले, मुझ पे किसी ने काला जादू कर दिया था टोटका, जिससे मेरा दिमाग मेरे ही कंट्रोल में नहीं था और मुझसे सबके अगेंस्ट बातें करवाई गई, क्योंकि वो चाहते थे कि सलमान खान मुझसे अपसेट हो जाए, मुझे अपनी मूवीज में ब्रेक ना दे. उसी लिए ये सब करवाया गया. एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड एंड आई एम सो अपोलोजेटिक. मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ सबसे, कलर्स, एंडमॉल, सलमान खान एंड द इंडस्ट्री एट लार्ज, यू नो, क्योंकि मैं बेबस थी, मैं अपने ही कंट्रोल में नहीं थी, मैंने अपना आपा खो दिया था. सो प्लीज थोड़ा बड़प्पन दिखाइए और मुझे माफ करिए और हम एक नया दौर सेट करेंगे पॉजिटिविटी का, बिकॉज आई रियली मिस माय एंडमॉल कलर्स एंड सलमान खान फैमिली. आई लव देम एंड आई रियली रियली मिस देम टू बिट्स. वेल, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी वेस्ट की है उन्हें माफ करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज सब कुछ जिंदगी में वापस मिल जाता है. आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, आपको आपके चाहने वाले वापस मिल जाते हैं, पर आपको टाइम जो वेस्ट किया गया है वापस नहीं मिलता है. तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को माफ करना. इसके अलावा पूजा जी, कोई आने वाले समय में कोई ऐसे रियलिटी शो में आप जाना पसंद करोगे? जैसे कि हम हाल ही में लॉकअप भी ऐसे एक नया रियलिटी शो आया था जिसमें काफी चर्चा हुई उस रियलिटी शो में, क्या आप कोई ऐसे रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे इन फ्यूचर? लॉकअप के लिए मुझे कॉल आया था कास्टिंग एजेंट से, मैंने मना कर दिया एंड आई रिग्रेट इट, यू नो, मुझे कर लेना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक एकता कपूर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड आई लाइक कंगना ऑल्सो. तो अगर लॉकअप सीजन 2 के लिए वो मुझे बुलाएंगे आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट. एंड बिग बॉस 16 का भाग बनना चाहूंगी, क्योंकि कार्ल पेन, क्लोई कार्दाशियन, पूरा अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड चाहता है कि मैं वापस सलमान खान के साथ स्टेज पे खड़ी हूँ. तो मेरी ये बहुत ही बड़ी विश है एंड आई होप ये फुलफिल हो जाए. एंड इसके अलावा कोई म्यूजिक एल्बम, अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि मूवी, कोई ऐसा कुछ आने वाला है? जी हाँ, मेरे प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. अभी मेरी बायोग्राफी व्हाट्स इन अ नेम, यू आर नॉट बॉर्न टू बी मीडियोकर रिलीज होगी कुछ महीनों में. इस बुक में मैंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया है जो लोग बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो हाउ टफ कैन इट गेट इन दिस इंडस्ट्री. और उसके अलावा 3 और गाने हैं जिन पे मेरा काम चालू है
अभी तो पार्टी शुरू हुई है को मिला के 4 गाने हैं जिन पे काम yes. चल रहा है, और 2 रियलिटी शोज भी मैं बना रही हूँ. एक तो है स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी, जहां पर मैं लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए बुलाती हूँ, और उसके बाद एक और रियलिटी शो है जो स्वयंवर के जैसे है, जिसका नाम है पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर मैरी मी, जिसमें मैं विनर के साथ शादी करने वाली हूँ. इस शो के लिए मैंने न्यूयॉर्क बेस्ड मैरिज काउंसलर हंट के साथ टाई अप किया है, और बैकएंड का काम इस पे जारी है. पर एज यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट एन इजी शो, और इस शो से मैं एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन अपनी जिंदगी का लेने वाली हूँ विनर के साथ शादी करके. तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब ये रिलीज होगा धमाकेदार होगा. बहुत बहुत धन्यवाद था आपका, थैंक यू सो मच. लास्ट है पूजा जी, बस उसके बाद फिनिश.